रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज के लेसन में हम परसेंटेज को डेसिमल या इशारिया में तब्दील करना सीखेंगे। तो परसेंट का मतलब होता है पर हंड्रेड। 50% मीन्स 50 पर हंड्रेड और सिंपली 50 बाय हंड्रेड, यानी 100 में से 50। और अगर हम इसको 100 पे डिवाइड करें 50 को, तो हमारे पास 0.5 डेसिमल नंबर आ जाएगा। तो व्हेन वी डिवाइड परसेंटेज बाय 100, वी गेट द डेसिमल। इसका एक और तरीका ये भी है कि जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो परसेंटेज का साइन हटा देते हैं। जैसे हमने 75% को 100 से डिवाइड किया, तो क्योंकि 75 100 पे से छोटा है, तो इसलिए हम पॉइंट कर लगा के 0 लगाते जाएंगे, तो ये हमारे पास 0.75 आ जाएगा। इसका दूसरा आसान तरीका यह है कि आप डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल को 2 प्लेसेस लेफ्ट मूव कर दें, तो भी आप डिवीजन नहीं करनी पड़ेगी आपको, और साथ से परसेंटेज का साइन हटा दें, तो आपका आंसर डेसिमल में आ जाएगा। प्यारे बच्चों, ज़िंदगी में मुश्किलात की 2 वजूहात होती हैं। हम सोचे बगैर काम कर गुजरते हैं, या सोचते रहते हैं और अमल नहीं करते। तो इसलिए सोचने से, काम करने से पहले सोचें कि हम क्या करने जा रहे हैं, सच बोल रहे हैं या झूठ। और उसके बाद जब एक दफ़ा डिसाइड कर लिया, तो फिर उसके ऊपर अमल कर गुजरें, बहुत ज़्यादा सोचों में ना पड़ें। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में कोई भी ताला ऐसा नहीं बनाया जिसकी चाबी ना हो, और कोई मुश्किल ऐसी नहीं है जिसका हल मौजूद ना हो। अल्लाह पर ट्रस्ट करें, और जो भी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं उनको उनका हल तलाश करें। तो अल्लाह पर हम भरोसा कैसे कर सकते हैं, जब हम अल्लाह की भेजी हुई किताब को उर्दू तर्जमे के साथ पढ़ें, हमें पता चले कि अल्लाह हमें क्या कह रहा है। हमें अल्लाह की बात माननी है, सीधा और सच्चा रास्ता इख्तियार करना है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं कि हम किस तरह से परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट 8.5% टू डेसिमल। तो वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें, अभी जो हमने सीखा है उसके मुताबिक करें। हमने आसान तरीका ये सीखा है कि 8.5% को 2 प्लेसेस डेसिमल लेफ्ट मूव करें, और साथ परसेंटेज का साइन हटा दें, तो आपका जवाब आ जाएगा। तो ये खाली जगह जो है 2 मूव करने से, उधर 0 ऐड करें। तो अगर हम 100 पे डिवाइड करें, तो भी हमें लॉन्ग डिवीजन में भी हमारे पास 0.085 डेसिमल आएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, कन्वर्ट 250% टू डेसिमल। यहाँ पे 250% टू डेसिमल है, तो आप यहाँ पे वीडियो स्टॉप करें। आप दोनों तरीकों से जवाब एक ही आएगा, लेकिन सबसे आसान तरीका है कि आप डेसिमल प्लेस को लेफ्ट साइड पे मूव करें। तो अगर आपने डेसिमल को 2 प्लेसेस लेफ्ट मूव किया, तो हमारे पास 2.5 आएगा, और 2.5 हम जब लिखेंगे तो परसेंटेज का साइन हटा देंगे। अगर हम इसको लॉन्ग डिवीजन में भी करें, तो 250 को जब 100 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास 2.5 ही आता है। तो पिछले लेसन में हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में तब्दील किया था। तो असल में परसेंट, डेसिमल और फ्रैक्शन जो हैं, वो एक ही चीज़ को मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान करने के तरीके हैं। यानी आप परसेंटेज में भी उसको बयान कर सकते हैं, डेसिमल में भी और फ्रैक्शन में भी, और ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं। जैसे डेसिमल को आप 100 से ज़रब करें, तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप परसेंटेज को 100 से डिवाइड करें, या 2.5 को 2 दर्जे लेफ्ट मूव करें, तो ये परसेंट डेसिमल में तब्दील हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।